हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो ये वाला जो वीडियो है ये EISSM के एग्ज़ाम को लेकर बनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मेरी तरफ से मैं आपको ये श्योर कर दूं कि इस वीडियो से आपको जो आपका एग्ज़ाम है आई थिंक 5 तारीख को, उसमें कम से कम 20 से 25 मार्क्स का हेल्प मिल जाएगी, 20 से 25 मार्क्स की। हालांकि बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, देखो। ठीक है, तो पहले तो बता दूं कैसे तुमने, देखो ऑडिट का एग्जाम खत्म हुआ, ऑडिट का एग्जाम खत्म होने के बाद तुमने EISM का सिलेबस थोड़ा लेंथी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हमें किसी, देखो आखिर तो लड़ना है और इसको अचीव करना है। ठीक है, अचीव करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको ऑडिट के एग्जाम के बाद जैसे ही घर आओगे, रेस्ट करोगे, जो भी अपना अपना सिस्टम होता है, कोई आते ही पढ़ने लग जाते हैं, जो भी सिस्टम है, सबसे पहले SM को उठाना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो SM है वो लगभग 101 पेज की है, 100 पेजेस की SM है। ठीक है, उसमें किसी भी पेज पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको कह सकते हैं कि रीडिंग प्लस मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, रीडिंग की तरह ही लेना है। ऐसा नहीं कि मैं उसमें खो जाऊं, कोई टॉपिक नहीं आता तो उसमें घुसने लग जाऊं, नहीं, वो वक्त गया। ठीक है, अब तो जो तुमने किया है उसको समेटने का वक्त है। तो आते ही आप लोग SM करोगे, ठीक है, और फिर EIS को करने की सोचोगे। मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, जिस दिन तुम्हारा ऑडिट का एग्जाम हुआ, अगले दिन सुबह 12-1 बजे तक आपकी SM कंप्लीट हो जानी चाहिए, और SM आप सभी को पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आई EIS की बात। जैसा कि आप सब जानते हैं, EIS के अंदर अपने 5 चैप्टर हैं, और मैं क्लास में भी हमेशा बोलता था 5ों अच्छे से करो, बट उनमें से 4 अपने स्ट्रॉन्ग रखना, कोई भी 4, मैं हमेशा बोलता था। तो आज भी वही बात बोलूंगा कि आपको फोकस करना है वो एरियाज पर जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो 2-3 चैप्टर तो तुम्हें पूरे अच्छे से कंप्लीट करने हैं, बचे हुए किसी 2 चैप्टर में से आप वो एरिया अच्छे से कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम में जैसे डिस्कस हुआ था, उसके साथ साथ जो तुम्हें आता है वो कर लेना। अगर तुम्हें कोई एरिया नहीं आता तो उसको छोड़ देना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। टोटल ये जो 5 चैप्टर हैं, इनमें से मैं चाहूंगा कि तुम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स जरूर करो, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, वर्थफुल है और अच्छे मार्क्स का पूछता है, इजी है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आप फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम को जरूर उठाना, और ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये 3 चैप्टर तो जरूर उठाना। बचे हुए जो 3रा चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, कोर बैंकिंग सिस्टम भी थोड़ा सा सिमिलर सा है, तो आप इनमें से इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस कर सकते हो। प्लस में जो अपना जो एरिया तुम्हें आसानी से लगता है कि ये मेरा एरिया फटाफट हो जाएगा, उस पे फोकस कर सकते हो। तो अभी तक की वीडियो का मैं क्रक्स बोलूं तो आपको EISSM के अंदर अपनी SM जो है वो SM, आपकी एग्जाम हो गया शायद 3 तारीख को ऑडिट का एग्जाम है, ठीक है, तो 3 तारीख ऑडिट के एग्जाम के बाद से 4 तारीख को लगभग 12 से मैक्सिमम 1 बजे तक ये फिनिश हो जाना चाहिए SM कंफर्म। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, एक तो ध्यान रखना पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप मान के चलो EIS के 2 चैप्टर और ये पूरी की पूरी SM इक्वल है। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है SM, और उसमें पॉइंट्स का पूरा ध्यान रखना, पेपर के अंदर टेक्निकल वर्ड्स यूज करना, टेक्निकल वर्ड समझ रहे हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इस तरीके से सिंप्लीफाई लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट मत करना। अभी मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, तो मैं कुछ बातें और भी बताऊंगा। अब रही बात EIS के अंदर आपको
तीन चैप्टर कंप्लीट कर लेना, बचे हुए दो चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट एरिया कर लेना, प्लस में आप लोग क्या करोगे, इंपॉर्टेंट एरिया के साथ साथ जो एरिया तुम्हें आसानी से लगता है कि ये मेरा फास्ट हो जाएगा वो, इससे आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटजी को जरूर अडॉप्ट करो, बाकी आपकी मर्जी, अगर किसी को लगता है वो कंप्लीट कर सकता है तो उससे तो कुछ अच्छा है ही नहीं, कंफर्म। फोकस एग्जाम वाले दिन ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पॉइंट्स अगर गलत हुए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एक सिंगल, इवन वो चेक भी नहीं करेगा, इसलिए मुझे अच्छे से सारे पॉइंट्स को करना है कंफर्म। इसके साथ कुछ बातें मैं और तुम्हें बता दूं जो तुमने ध्यान रखनी है, एसएम के मैंने तुम्हें बता ही दिया कंप्लीट करनी है, और जो तुम्हारी ईआईएस है उसमें 4+1, ठीक है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना, ठीक है, 3+2 भी कर सकते हो, नहीं तो 4+1। हेडिंग आपको एग्जाम में सेम लिखनी है, और पेपर के अंदर जो अपना क्वेश्चन है, हेडिंग है, क्वेश्चंस हैं, उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना, कई बार घुमाकर गूगली फेंकता है, गूगली में पजल मत हो जाना, और एमसीक्यू को भी जल्दी जल्दी में मत अटेम्प्ट करना, उसको ध्यान से एक बार रीड करना, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो तो दोबारा रीड कर लेना, एक एक नंबर की बड़ी कीमत है। ईआईएस एसएम के अंदर मार्क्स लेने में जोर आता है, ठीक है, आज पॉजिटिव बातें करेंगे पर जोर तो आता ही है, ठीक है, तो हमें अपना अच्छे से करना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लास्ट तक लड़ना है, ठीक है, हम वीर योद्धा है तो हमें अच्छे से उसकी तैयारी कर रखी है, जितनी भी तैयारी है बस अब तो फतेह करना है किला, कोशिश करनी है पूरी अपनी तरफ से, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट मतलब एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि एसएम के पेपर पर आप अपने 2 घंटे डिवोट कर दो और जब ईआईएस की बारी आए तो तुम्हें टाइम शॉर्ट हो जाए, नहीं, पेपर देखते ही माइंड मेकअप कर लेना कौन कौन से क्वेश्चंस को किस किस ऑर्डर में करना है, शुरू के 15 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ आपको पहले अपने 70 नंबर वाला जो पेपर है, यानी कि जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, उसी को पढ़ना है, एमसीक्यू के अंदर नहीं जाना, कंफर्म। ये मेरा नंबर है 9910504027, इस नंबर पर आप कभी भी क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी और कॉल भी दोनों पॉसिबल है, ठीक है, चाहे मेरे स्टूडेंट है नहीं है कोई भी, सभी मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। और मैंने तुम्हें कहा वो एरिया कवर करो, ठीक है, जो फास्ट तुम कवर कर सकते हो रिवीजन के अंदर, हेडिंग्स पे फटाफट ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना अगर हेडिंग गलत हुई तो नंबर नहीं मिलेंगे, टेक्निक एसएम ईआईएस में हेडिंग और एसएम में हेडिंग प्लस में टेक्निकल वर्ड, क्योंकि एसएम के पेपर के अंदर एक्सप्लेनेशन का भी पार्ट काफी पूछा जाता है, ईआईएस के अंदर हेडिंग मतलब क्वेश्चन के अंदर ज्यादा हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स के बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो भी वैल्यू रखती है, बट उसका प्रभाव कम हो जाता है जब आपकी हेडिंग सही हो, बट अगर उसने सीधा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पूछा है तो हेडिंग तो है नहीं, तो वो उसको एग्जामिनर अच्छे से चेक करता है, जब उसको अच्छे से चेक करता है तो वो टेक्निकल वर्ड्स ढूंढता है, तो उस केस के अंदर तुम्हारे वहां पर टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, कंफर्म। अब आ गई बात अपनी, सुनो ये एग्जाम डेज के मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, पर मेरी यहां पर एक तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट है, देखो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं तुम्हें जो है ये क्वेश्चंस दूं, हालांकि मैंने ईआईएस एसएम के लिस्ट पहले से इशू की हुई है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगा यार बच्चे शायद इतने सारे क्वेश्चंस ना कर पाए, तो मैं बच्चों को कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, तो मैं आज सुबह से शाम तक इसी पर ही बैठा था, ये नाइट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, और आपको बता दूं लगभग मैंने 12-13 घंटे लगाकर कल जो 5 तारीख को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस ढूंढे हैं जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाना, मैं तुम्हें कहूं तो नंबर ऑफ पेजेस पे जाना, यहां पर लगभग 59 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है। देखो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस यहां से आ जाएंगे, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद क्या श्योर भी हूं, हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन यहां से आ जाए, 30-40 नंबर का पेपर
70 मार्क्स में से, क्योंकि एमसीक्यू तो अलग पार्ट हो गए ना, मुझे लगता है कि 70 मार्क्स में से 30-40 नंबर का पेपर भी यहां से आ जाए, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से फिर भी डिस्क्लेमर देकर दे रहा हूं कि एक भी नंबर का ना आया तो भी तुम ये नहीं कहोगे कि सुनील सर का पेपर एक भी नहीं आया। भैया मैं पेपर बनाने वाला तो हूं नहीं, मैंने अपनी क्लास में पूरा डिटेल में करवाया है, एक एक पेज अच्छे से करवाया है, समझाया है, रटवाया है, लिखवाया है, एग्जाम्पल दिया है। बट उसके बावजूद भी मैं रिस्क लेते हुए आपको लिमिटेड से कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आएंगे, उनमें से एक भी ना आया तो भी मुझे उतनी ही प्रेज देना, और 5-7 आ गए तो भी मुझे उतनी ही प्रेज देना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप ये समझना कि सामने वाले ने कोशिश करी, और कोशिश करने वालों की वैसे कभी हार नहीं होती, अगर कभी हार भी हो जाए तो अगली बार वो जरूर जीतता है। तो ये मेरी एक कोशिश है, ठीक है। होप सो मेरी बातों से आपको समझ आ गई होगी। उसके बावजूद भी कोई बेवकूफ ये कहता है कि सर के बताए हुए क्वेश्चन से एक भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, कन्फर्म। तो मैंने हालांकि एक लिस्ट दी हुई थी, वो उसके अंदर लगभग 200 के अराउंड क्वेश्चन थे, 170 के अराउंड, ठीक है। वो कंप्लीट लिस्ट है EISSM की, जो मैं आपको दिखाई देता हूं, वो कंप्लीट लिस्ट है EISSM। ये देखो EIS की लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 43 पेज की ये है, इसमें टोटल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कुछ बच्चे पजल मत हो, 76 क्वेश्चंस है। और एक SM की लिस्ट है, ये शायद यही है, तो इसमें लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चंस है, ये रहे 109। पर मैंने आज इसको काफी शॉर्ट किया, ठीक है, कि कल के एग्जाम के लिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बता दूं, समझ गए ना मेरी बात। तो ये समझ लो कि बस आखिरी वो उन लोगों के लिए जो आलसी आदमी है, ठीक है, जो किस्मत पे विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए है। और जो विश्वास नहीं रखते, वो भी अपनी मेहनत करने के बावजूद भी किस्मत को भी अजमाना चाहते हैं, या फिर मेहनत करने के बाद भी और कुछ पार्ट पर एक्स्ट्रा वर्क करके जिसके आने के ज्यादा चांसेस हैं उस पर और ज्यादा जोर लगाना चाहते हैं, ये लिस्ट उनके लिए है, कन्फर्म। जिन बच्चों के पास वो दो लिस्ट मैंने पहले दिखाई है वो है, तो वो मान के वो श्योर हूं सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। इन क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा जोर लगा देना, बस मैंने बोलते हुए भी जोर लगाया तो तुमने भी उसी तरीके से ज्यादा जोर लगाना है, कन्फर्म। शुरू करते हैं इनमें से, फिर से बता रहा हूं, यहां से कितने मार्क्स का आएगा, 0, ठीक है, कितने, 0। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो थैंक्स भेज देना, कन्फर्म। सुनो, इस बार के लिए फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि पीछे फ्लो चार्ट नहीं आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी बच्चा फ्लो चार्ट मत छोड़कर जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, चेकलिस्ट फॉर ऑडिट ऑफ ERP, मैं आंसर पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को फटाफट स्किप भी कर दूंगा, मुझे अगले 15 से 20 मिनट में वीडियो को खत्म करना है, एग्जाम वाले दिन 2 घंटे की वीडियो तो ना देखोगे। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, चेकलिस्ट फॉर ऑडिट ऑफ ERP अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कन्फर्म। कहते हैं ना 5 स्टार, अब जो मैं 5 स्टार कहूं तो समझ लेना कि बस एग्जाम में आ ही गया, ठीक है, अगर ना आए तो फिर वही बात, ठीक है, अब ये वाली बात दोबारा नहीं बोलूंगा। अगला, हाँ जी, इसमें पूछा है CBS के अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन कौन से हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको 4 स्टार दूंगा, 5 स्टार नहीं दूंगा, ठीक है। फ्लो चार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं 5 स्टार दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं 4 स्टार दूंगा, ये करेक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसको 4 स्टार दूंगा। उसके बाद ये जो वाउचर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन 5 स्टार है,
ठीक है, बड़े अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को, वाउचर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सीरियली नंबर होना चाहिए, ये सारी बातें हैं, इसको अच्छे से कर लेना। रीजन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इमर्जिंग, इसको मैं 3 स्टार दूंगा, 3 स्टार कंफर्म। सर 3 स्टार वाले छोड़ सकते हैं, ये कुछ इन बातों पे कुछ नहीं रखा, ठीक है। अगर तुम यही क्वेश्चन पेपर में आखिरी के लिए नहीं करके जा सकते तो तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम ये सारे क्वेश्चन करके जाना, कंफर्म। फिर भी मैं इसमें स्टार कैटेगरी मार्क करवा रहा हूं। पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट दी 200 क्वेश्चंस की, उसमें से फिर मैंने अब लगभग मैं इसको 60 पेज पे सीमित कर आया, लगभग 100 क्वेश्चन लेकर आया, उसमें से भी मैं स्टार मार्क करवा रहा हूं। अगर तुम अब भी कहते हो कि भैया इसमें से जो मैं 2 स्टार वाला छोड़ दूं या 3 स्टार वाला छोड़ दूं, ऐसा मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आनी चाहिए, कन्फर्म। जो दिलो करना हो कर लेना। सर आप ऐसे रूट बोलते हो भैया, आप स्पष्ट सी बात है, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर कैसे होगा, फिर तो सारे सीए बन जाते, कन्फर्म। इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार देता हूं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, 5 स्टार कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, XBRL का क्वेश्चन आने की बड़े चांसेस हैं, इसलिए इसको 5 स्टार देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कंफर्म। ये क्वेश्चन तो समझो आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कह रहा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये है 9, कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्लॉयमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBS, कोई भी बच्चा मत छोड़ना, अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 2 एक वाउचर वाला क्वेश्चन और ये, ठीक है। अब इसमें स्टार नहीं बताओगे, सर बता तो दिया 5 स्टार, ठीक है। स्टेजेस ऑफ HR साइकिल, इसको 4 स्टार दूंगा मैं। अब उसके बाद ये ग्रिड सिक्योरिटीज, ठीक है, इसकी क्या कॉन्स्टेंट्स है, इसको मैं 5 स्टार या 4 स्टार दूंगा, आने के चांसेस हैं, कर लेना, ठीक है। MIS का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसको 5 स्टार देना, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन के क्या करेक्टर होते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये MIS वाले पार्ट का ही क्वेश्चन है, ये दोनों MIS के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही मानना, और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू वाला क्वेश्चन है, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 5 स्टार कंफर्म, अच्छे से करना इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें से ये जो क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर, इसमें से MCQ आ सकता है, और इसको मैं 3 स्टार दूंगा, 3 स्टार। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं सोल्विंग की ओर, मॉर्गेज प्लान, इसको मैं 4 स्टार दूंगा, 4 स्टार, ठीक है। कंजूसी मत करना, कुछ बच्चे चाहो तो इस 59 पेज हैं, इनका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, इनका प्रिंट निकाल कर पढ़ना शुरू कर देना। जिन्होंने पहले वाली लिस्ट का प्रिंट ले रखा है वो इसकी PDF कल स्टाफ से ले लेना, उसका नंबर बता देता हूं मैं स्टाफ का, 8826864836, इस फाइल का नाम है एग्जाम डे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसको जरूर ले लेना और मार्क कर लेना कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन सर ने और इंपॉर्टेंट बता दिए, तो उनको दोबारा प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मॉर्गेज, इसको मैं 5 स्टार दूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन। अगला एक 2-tier 3-tier, इसको 4 स्टार दूंगा। सर आपके क्वेश्चन सारे 4 और 5 में है बेटा, मैं पूरी छटनी कर आया हूं अब तुम्हारे लिए। एक्सप्लेन द ऑडिट ट्रेल, इसको 3 स्टार कर देना। टेक्निकल कंपोनेंट को 3 स्टार कर देना, इसको अगले को 4 स्टार कर देना। ये क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं, बेनिफिट ऑफ ई-कॉमर्स इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए, तो 5 स्टार कर देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, उसके बाद डेटा वेयर हाउस 3 स्टार, करेक्टर ऑफ हाइब्रिड क्लाउड 3 स्टार, परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग ये 3 स्टार। उसके बाद ये हाँ मामा मॉड्यूल, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार, अच्छे से कर लेना मामा मॉड्यूल, छोड़ना मत, MM मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सीनियर मैनेजर, बहुत जोर लगाया था मैंने चैप्टर नंबर 3 में, 4 मार्क्स के अंदर आने का, 4 स्टार देता हूं इसको, ठीक है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद
करेक्टर ऑफ करेक्टिव कंट्रोल, इसको मैं 3 स्टार देता हूँ, ठीक है, उससे अगले को भी मैं 3 स्टार देता हूँ, उसके बाद ये इसको भी 3 स्टार देता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये फोन बैंकिंग, ये क्वालिटी वाले को भी मैं 3 स्टार देता हूँ। ये क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल है, एक क्वेश्चन आएगा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, अगला ही है प्रोसेस, ठीक है, के अंदर प्रोसेस, इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार देता हूं, अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशन, 5 स्टार क्वेश्चन कंफर्म। अगला XBRL वाला ही है, पहले भी 5 स्टार बोला था, ये XBR से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसको भी 5 स्टार। अच्छा, वेरियंस ऑडिट टूल्स, इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा या 4 स्टार भी दे सकते हो, 5 स्टार छोड़ना मत इसको। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट टेक्निक, कॉन्टिन्यूस ऑडिट टेक्निक, 3 स्टार। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर करना, 6 कमर्शियल लॉ, 5 स्टार आने वाला है ये, ठीक है, जो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए आने वाला, इनमें से 2 जरूर टपक जाएंगे, कंफर्म। उसके बाद ये टाइम बेस पे कंट्रोल, 3 स्टार। उसके बाद आईटी रिस्क, ये जो आईटी रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, न्यू सेट ऑफ आईटी रिस्क, ये मैं दूंगा इसको 4 स्टार या 3 स्टार भी कह सकते हो, 4 स्टार, 5 स्टार नहीं है इसके लिए, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल फॉर बैंक, 4 स्टार। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 4 स्टार प्रोसेस। बस ये मैंने तुम्हें 40 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ EIS के लिए, पहले मैंने 100 के राउंड क्वेश्चन दिए थे, 70-80 के राउंड, अब मैंने इसको 40 कर दिए, उसमें भी मैंने तुम्हें 5 स्टार कैटेगरी के भी कुछ क्वेश्चन बता दिए। भैया वो क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना, ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी। ये 40 क्वेश्चन कर जाओगे, सर कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 0, ठीक है, कल बात करेंगे पेपर के बाद, मैसेज कर देना, ठीक है। अब आ गई SM, ठीक है, SM के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, पर मैं चाहूंगा कि तुम क्वेश्चन से ज्यादा पेजेस पर देखो, ध्यान देना, ज्यादा नहीं दिए, लगभग 35-36 पेज ही दिए SM में, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं SM में, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कन्फर्म। तो हालांकि मैंने सोचा था इसको भी 40 तक सीमित करूंगा, पर जब करने लगा तो क्वेश्चन सीमित नहीं हो पाए, ये 60 तक चले ही गए, तो बेटा कर लेना, हम भी मजबूर होते हैं यार, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, इसको मैं दूंगा 4 स्टार। अब इसको पढ़ने लगेंगे तो पूरा केस है भैया, इतनी देर नहीं लगा सकते। स्ट्रेटजिक ग्रुप मैप, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दूंगा इसको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने और लगा के दिए हुए हैं, तो वो केस और नॉर्मल क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कईयों में और करके 3-4 क्वेश्चन भी होंगे, ताकि एग्जाम में तुम्हें अलग अलग वैरायटी से भी रूबरू हो पाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्वेश्चन अच्छा है, 5 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर करना, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अंबानी वाला, ठीक है, अच्छे से करके जाना ये क्वेश्चन। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंज, 4 स्टार दूंगा या 3 स्टार दे देना इसको। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ये इसमें किसके बारे में, केस बेस है, 3 स्टार दे दो, ठीक है। अगला ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल पे है, इसको 3 स्टार दूंगा, क्योंकि पीछे इसने एग्जामिनर ने इसे पूछा हुआ है, ठीक है, फिर भी दोबारा पूछ सकता है, इसको 4 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, ट्रिक्स एंड मैजिक, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर, इसको हम देंगे 5 स्टार, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जरूर करना, 5 स्टार क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 4 स्टार क्वेश्चन है। करेक्टर ऑफ SBU, 3 स्टार। डिस्कस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, एक बेटा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ये वाला क्वेश्चन भी, और कभी कभी तुम्हें वो केस दे देगा जिसमें वो कहेगा कि वो यूनिक तरीके से कर रहा है किसी काम को, तो आपको उसको ध्यान से रखना, वो डिफरेंशिएशन होगा। और ये भी ध्यान रखना कि वो फोकस डिफरेंशिएशन है या फिर सिर्फ डिफरेंशिएशन है, अगर वो नैरो मार्केट पे फोकस कर रहा है तो वो फोकस डिफरेंशिएशन हो जाएगा यूनिकनेस के साथ,
तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के पूछे हुए थे आईसीआई ने अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अच्छे से करना। ये क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एंड हाउ इट इज अचीव। और कई वो जो मैं जो जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं उसमें वो आपको एक केस दे देगा, वो केस में आपको बता देगा कि पूछेगा कि इस कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी है, तो आपको लिखना होगा कि इसने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करी है या फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करी है। एज द केस में भी गलती मत करना, अच्छे से बेटा सीए में पास होना मुश्किल है, ये सबको पता है। उन सभी एग्जाम में से ईआईएसएसएम और ऑडिट में और ज्यादा जोर लगता है, बस ठीक है। ये मैं नहीं, दुनिया बोलती है, कंफर्म। और जो ये हवा करते हैं बड़ा आसान है, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हाउ इट इज अचीव, तो ये हाउ इट इज अचीव का अलग क्वेश्चन है। और जो मैं कह रहा हूं वो एक केस होगा, उस केस के अंदर वो तुमसे पूछेगा कि भैया इसमें कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई, तुमने लिखना होगा कि इसमें कंपनी ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगाई। होप सो तुम समझ गए होगे, इसमें भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये कर लेना, ये इसको मैं दूंगा 4 स्टार क्वेश्चन नंबर 14 को। प्रोमिनेंट एरिया ऑफ एचआर मैनेजर, ध्यान रखना यहां पे एरिया है। और एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें बोलेगा किस फैक्टर से कॉम्पिटेंस आती है, एचआर से रिलेटेड ही 4 फैक्टर हैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इसको मैं दूंगा 5 स्टार, अच्छे से कर लेना। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन 5 स्टार, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मेडिकल वगैरह, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काफी बार पूछता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और उसके बाद आ गया विजन और मिशन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। एंट्रप्रेन्योर और इंट्रप्रेन्योर चांसेस हैं, बट इतने नहीं है भी 5 स्टार का, 4 स्टार, ठीक है। और एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट लीडरशिप 3 स्टार या 4 स्टार कर सकते हो। हाँ, ये बीपीआर वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो केस दिया हुआ है, ये और लगा के यहां क्वेश्चन शुरू हुआ, और लगा के ये क्वेश्चन शुरू हुआ, इन तीनों का ही आंसर सेम है, ठीक है, 5 स्टार, 5 स्टार, इसको भी 5 स्टार देना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, इन दोनों में डिफरेंस 4 स्टार। डिफाइन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 3 स्टार। और ये जो ये इसको दे दो 4 स्टार दे दो, 4 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार दे सकते हो। कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, 4 स्टार कॉर्पोरेट कल्चर को। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल 4 स्टार। सर ये लिस्ट क्यों दी आपने, चाहे वो कंप्लीट लिस्ट की बात करूं या एग्जाम डे क्वेश्चंस की बात करूं, बेटा इससे आपको पेपर में इंस्टेंट क्रैक हो जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा है और लिखना कैसे आंसर। इसमें भी होप सो जिन बच्चों ने लिस्ट फॉलो की होगी उनको हेल्प मिली होगी, ठीक है। ये टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, किन किन कंडीशन में टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कंपनी यूज करती है, एक क्वेश्चन ये, एक स्टेप्स ऑफ टर्न अराउंड, ठीक है। ध्यान रखना जब भी वो अपने लॉस की पोजीशन को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहे कुछ चेंजेस करके, वो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है, कंफर्म। उसके बाद सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको 4 स्टार कर दो ना, ये 5 स्टार है, स्ट्रेटजिक डिसीजन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन। ये वो केस बेस में है, वो जो पीछे आया था वो डायरेक्ट पूछा हुआ था, कंफर्म, इसको 5 स्टार ही करना। और हाँ जी, ये देखो ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कि भैया इस कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी है, 5 स्टार स्ट्रेटजी यूज करी है, कंफर्म। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। ये इसको मैं दूंगा, हाँ ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फंक्शनल स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रेटजी से रिलेटेड, फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी में जो मैं पहला पहला क्वेश्चन करवाया था शायद नीड फॉर फंक्शनल स्ट्रेटजी, हाँ, रीजन वाई वाई फंक्शनल स्ट्रेटजी इज नीडेड, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत बेटा। अगला मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर 3 स्टार, ये मतलब एक केस दिया हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि इस प्रोसेस में बताओ कंपनी कहाँ स्ट्रेटजी में क्या नहीं कर पाई, तो वो फॉर्मुलेशन तो अच्छा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है, 3 स्टार 4 स्टार दे सकते हो। अच्छा, मेरा मेन मकसद 5 स्टार के क्वेश्चन बताने का था, ठीक है। ये देखो ये पे भी एक केस दिया हुआ है, उसने कहा कि इस कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी, डिफरेंशिएशन 5 स्टार, स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव 5 स्टार, बड़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 5 स्टार, ठीक है। हाँ जी, अगला जो है तुम 4 स्टार दे सकते हो, स्ट्रेटजिक ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको 4 स्टार दे सकते हो, ठीक है, 36। उसके बाद हो गया टेलीकम्युनिकेशन 4 स्टार, ये वाला, हाँ ये देखो, ये देखो फैक्टर एचआर के जो इन्फ्लुएंस करते हैं इम्प्लॉई कॉम्पिटेंस को, कन्फर्म, ये भी 5 स्टार है, वो वाला फोकस एरिया था शायद, और ये ध्यान रखना, सुनो, एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, ये देखो जो पीछे अपना एचआर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें 6 पॉइंट थे और इसमें 4 थे, मैंने ये बात क्लास में भी डिस्कस की हुई है, तो एग्जामिनर ने क्या किया, इन 6 पॉइंट्स को, ये जो पीछे ये वाला, हाँ ये देखो प्रोमिनेंट एरिया, तो उसने एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने कहा कि राइट एनी 4 प्रोमिनेंट एरिया। अब कुछ बच्चे पजल हो जाते हैं कि एचआर के अंदर 2 क्वेश्चन थे, एक तो प्रोमिनेंट एरिया, एक वो जो इंप्लॉई की कॉम्पिटेंस, वो ध्यान दिमाग लगाते हैं कि इंप्लॉई की कॉम्पिटेंस इंप्लॉई की कॉम्पिटेंस के अंदर तो 4 पॉइंट है, और वो दिमाग लगा के और बच्चे इंप्लॉई की कॉम्पिटेंस वाला लिखा है, बेटा वो आईसीआई है, ठीक है, हमारा गुरु है, ठीक है, हम वहीं से आए हैं, तो वो बहुत तेज है, बड़ा ध्यान से एक एक क्वेश्चन को EISSM के अंदर, ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो एक बार हमारे सर ने हमें कहा कि इसका और EIS एक ही तरह का सब्जेक्ट है, तो एक बार हमारे सर ने कहा, इसका पढ़ते थे सर से, तो उन्होंने कहा कि बेटा ICI के पास ना, मुझे आज भी याद है, लगभग 8-10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुम्हारा अपना इसका है, इसमें ICI के पास इतना मटेरियल पड़ा है कि वो अगले 10 साल तक ना पेपर बना ले और क्वेश्चन रिपीट ना करे तो बाद बन जाए। हम बड़ा हंसते यार, मैं मन में सोचा यार ये क्या बोल रहा है, डरा रहा है सर, तो ये सच्चाई है ये नहीं है। पर अब जब मैंने टीच करना शुरू किया है, टीच करना शुरू किया, अब तो बहुत साल हो गए टीच करते, तो मैंने ये चीज फील की सच्चाई है कि ये जो EISSM के अंदर ICA के पास इतने क्वेश्चन हैं, वो मतलब अगले 20 अटेम्प्ट तक नए क्वेश्चन पूछ सकता है, और इनफैक्ट मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उनमें से एक भी नहीं डाला, ठीक है। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट खत्म करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इसको 4 स्टार देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको देंगे हम 3 स्टार दे देना, SBU की एडवांटेज 3 स्टार, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 4 स्टार दे दो, रीजन कंपनी टर्न अराउंड 5 स्टार, ठीक है, ये भी टर्न अराउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है 5 स्टार, और ये बेंचमार्किंग के अंदर एरिया था एक, तो मतलब कहाँ कहाँ पे बेंचमार्किंग करते हैं, ठीक है, ये एरिया से रिलेटेड है, तो इसको मैं 3 स्टार दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और ग्लास स्ट्रक्चर, इसके क्वेश्चन 2-3 पूछे हुए हैं और ग्लास स्ट्रक्चर के, ये केस पूछ के उसने और ग्लास स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कर लेना और ग्लास स्ट्रक्चर, इसको आप देंगे और ग्लास स्ट्रक्चर को 4 स्टार दे देंगे, इसको 3 स्टार दे देंगे, बेनिफिट, हाँ भैया इसको 5 स्टार देना, बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटजिक अप्रोच या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस का 4 स्टार, कॉर्पोरेट कल्चर 4 स्टार, स्ट्रेटजिक इंटेंट के एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्टार, बहुत जरूर अच्छे से करके जाना, छोड़ना मत इसको,
ये पांच एलिमेंट है, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हम जो इसको दे देना 4 स्टार दे देना। उसके बाद एयरलाइन, ये जो फोकस डिफरेंशिएशन यूज कर रहा है, ठीक है, तो इसको वही पीछे भी आगे का ही क्वेश्चन, वहां डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज कर रही थी, यहाँ पे फोकस डिफरेंशिएशन है, 5 स्टार दूंगा मैं इस बार, चांसेस हैं ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने के। और ये जो कॉमन वेरियंस फॉर न्यू एंट्रेंस कर लेना, इसको 4 स्टार दे दो, ठीक है। और ये जो प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको 3 स्टार दे दो, ज़्यादा ये कभी पूछा नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम देंगे 4 स्टार। और स्ट्रेटजिक ऑडिट 3 स्टार दे सकते हो इसको, या 4 स्टार दे देना, ठीक है। मेन मकसद मेरा 5 स्टार के क्वेश्चन बताने का था, जो जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और ये भी 4 स्टार, वैल्यू फॉर मनी, स्पीड, ये कोर कॉम्पिटेंस है, 4 स्टार, ठीक है। 3 स्टार, 3 स्टार, और प्राइजिंग स्ट्रेटजी 3 स्टार, इसको 4 स्टार दे देंगे। इवन 5 स्टार दे देना, फेसिस कैसे डेवलप होता है, मैट्रिक स्ट्रक्चर कंफर्म। और ये बेंचमार्किंग, भैया सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट भी बोल देता है, स्टेप्स भी बोल देता है, जो भी है इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफर्म, तो इसको जरूर करना। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक ऑडिट, इसको 4 स्टार देंगे। उसके बाद डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, ये मैं पीछे भी आ गया, ठीक है, तो 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन है। कॉस्ट लीडरशिप 3 स्टार, 4 स्टार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मिसिंग, ये हम कर चुके, ठीक है, पीछे आ चुका है। और इसके बाद एनालाइज द लिमिटेशन, हाँ ये लिमिटेशन वाला क्वेश्चन 5 स्टार जरूर करना अच्छे से, 5 स्टार है। उसके बाद स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प टू वर्क चेंज इन द इन्वायरमेंट कॉम्पिटेटर्स डिस्कस बेनिफिट, 5 स्टार, बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट 5 स्टार, ठीक है। एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, देख लेना। ये जो सीके प्रहलाद वाले के वो 3 फैक्टर थे, ठीक है, जिसको कुछ बोलते थे, DAV बोलते थे शायद, हाँ, तो ये जो है 4 स्टार क्वेश्चन है। और ये मॉडल से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बताओ, मैंने क्लास में बताया हुआ है, उस केस में आपको ये फोटो बना कर आनी है, याद है, तो इसको हम 4 स्टार दे देंगे, ठीक है। टर्न अराउंड कंपोनेंट, एक्शन प्लान और टर्न अराउंड, और वाई शुड गो फॉर टर्न अराउंड, ठीक है, तो वाई शुड गो फॉर के तो ये पॉइंट हो गए, और उसके स्टेप इसके नीचे हो गए, कन्फर्म, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार। स्टेबिलिटी, रीजन फॉर स्टेबिलिटी 3 स्टार, 4 स्टार कुछ भी कर लो। अगला जो है ये भी 4 स्टार दे देना, बस 4 स्टार दे देना। हाँ, ये जरूर करना, इम्प्लीमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, इसके स्टेप बोल दिए, या फिर वो एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या फैक्टर होते हैं, शायद ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये 7 पॉइंट हैं, अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 6 नंबर में कंफर्म। ये वैल्यू रेयर, ये 3 स्टार 4 स्टार दे सकते हो, स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको 5 स्टार दे दो कंफर्म। स्ट्रेटजी कंट्रोल, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार कंफर्म। तो यहां पर अपनी ये जो मेन जो मैंने तुम्हें बता दिए क्वेश्चंस, जो 5 स्टार वाले हैं वो जरूर करना। अब मान के चलना कि अगर मुझे एग्जाम में 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने हो, तो मैंने लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो 5 स्टार वाले बताए हैं, 20, 30 या 25 क्वेश्चन, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफर्म। इस वीडियो को रोक रोक कर देख लेना, अगर तुम्हें ये ना समझ आए पीछे करके देख लेना कि भैया कौन सा 4 स्टार है 5 स्टार है, मुझे जल्दी में भी कंप्लीट करना था, थोड़ा स्पीड पे भी देख, चलो ये तो एंड में क्या बोलना। और अपनी तरफ से फिर बता दूं, पूरी मेहनत करना, अच्छे से पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, MCQ बहुत नंबर दे सकते हैं, एक एक नंबर की वैल्यू है EISSM के पेपर के अंदर। मेरा नंबर तुम्हें दे दिया, ठीक है, अपना छोटा भाई समझ के ऑर्डर मारना,
और मुझे कॉल कर लेना। कंफर्म ये वाले नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर से भी व्हाट्सएप कर देना, मैं भी दे दूंगा, पर बेस्ट है अगर तुम इस पर लो तो 8268-64836। ये कंफर्म, पूरी मेहनत करो, जिंदगी में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, खूब मेहनत करके और अच्छे मार्क्स लाकर पास होकर दिखाओ। कंफर्म, गॉड ब्लेस यू, होप सो तुम अच्छे से मेहनत करोगे, मेरी सेवाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। कंफर्म, कोविड है उससे बचना, ठीक है, जो ठीक हो जाता है उसके लिए कोविड कुछ नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए कुछ है, पर मेरे अकॉर्डिंग कोविड में दम है, ठीक है। कंफर्म, तो मेहनत करो, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, होप सो ये वीडियो ने कुछ ना कुछ हेल्प करी होगी। 5-star वाले क्वेश्चन जरूर करना, डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाउचर के पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ ERP बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेकलिस्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का इस बार क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग के बड़े चांसेस हैं। कन्फर्म, और यहाँ से पेपर कितने नंबर का आ जाएगा फिर से बता रहा हूँ, 0। कन्फर्म, गॉड ब्लेस यू, मस्त हूँ मैं, बोलो जय हिंद जय भारत।